बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। अवैध निर्माण पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर। विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण की सूची जारी कर दी है, लिस्ट पूरी तैयार कर ली है। 40 अवैध प्लॉटिंग करने वालों की लिस्ट जारी की गई है। विधायक और पूर्व विधायक और मेयर के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है और अयोध्या से खबर कि अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा। विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण की लिस्ट तैयार कर ली है। 40 अवैध प्लॉटिंग करने वालों की लिस्ट जारी हो चुकी है। विधायक, पूर्व विधायक और मेयर के नाम भी शामिल है इसमें। ये देखिए, ये हम आपको पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश का नंबर वन चैनल आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर लगातार कार्रवाई अयोध्या में की जा रही है। और अयोध्या में बताया जा रहा है कि विधायक और पूर्व विधायक और मेयर के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने 40 अवैध प्लॉटिंग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध प्लॉटिंग करने वालों की लिस्ट तैयार हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर निर्माण पर आप अवैध निर्माण पर अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, ये बड़ी खबर मिल रही है कि अयोध्या में अब गरजेगा बाबा का बुलडोजर, क्योंकि 40 अवैध प्लॉटिंग जिन्होंने की उनकी लिस्ट तैयार हो गई और बड़ी बात यह है कि उसमें विधायक और पूर्व विधायक मेयर भी शामिल है। जी हाँ बिल्कुल, जो लगातार जो जमीनों का खेल है यहाँ पर अयोध्या में दिखाई देता रहा है, इसको लेकर लल्लू सिंह ने एक बार पत्र भी लिखा था, उसकी पूरी जांच की मांग की थी और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो है कार्रवाई होता नजर आ रहा है और इस कार्रवाई की जड़ में विधायक और मेयर के नाम भी शामिल है। आज जो जिस तरह से जो विकास प्राधिकरण ने जो है जो जमीनों की खरीद फरोख्त करने वाले अवैध लोगों के जो एक 40 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसमें पूर्व विधायक मिल्कीपुर के बाबा गोरखनाथ, अयोध्या विधायक प्रकाश गुप्ता व अयोध्या नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम शामिल हो, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल सामने आ रहा है कि किस प्रकार से अयोध्या में जमीनों का कारोबार ये सरकार में बैठे लोग जो यहाँ के उनके जनप्रतिनिधि किस तरह से कर रहे थे, ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। जी यानी कि साफ तौर पर विधायक और पूर्व विधायक और मेयर पर भी गाज गिरेगी, इससे समझा जा सकता है कि बख्शा कोई भी नहीं जाएगा बाबा के बुलडोजर से। जी हाँ बिल्कुल साफ, क्योंकि इसके पहले भी योगी के आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वो लगातार दौरे पर रहे हैं और ये बात साफ कह रहे हैं कि जो भी जो अयोध्या के साथ जो भी इस तरह के जो अवैध लोग अगर सामने आते हैं कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अगर अब नाम विधायक और मेयर के आ रहे तो कोई ना कहीं देखना होगा कि किन लोग ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होती है, सरकार इन लोगों के खिलाफ किस तरह की जो एक्शन लेती है और कहीं ना कहीं जो इन लोगों के द्वारा बेचे गए जमीने हैं जो लगभग कई जगह जो कॉलोनिया है जो अवैध कॉलोनी बना दिया गया है, जैसे इसके पहले भी जो प्राधिकरण ने एक बार अपने बयानों में साफ किया था कि जो अवैध कॉलोनी बनाई गई है काफी जो मात्रा में यहाँ के कुंडों को भी पाट दिया गया, उन सभी को जो है चिन्हित किया गया है और कहीं ना कहीं अभी कॉलोनियों पर कार्रवाई होगी। साथ साथ प्रकाश देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार विधायक और मेयर पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।